हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान पार्क। तो दोस्तों, आरआरबी जेई के रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रहा है इस समय रेलवे भर्ती बोर्ड मालदा के ऑफिशियल वेबसाइट पर। जी हाँ दोस्तों, एक लिस्ट जारी किया गया है जिसमें 18 कैंडिडेट को मेडिकली अनफिट जारी किया गया है, और इसके रिगार्डिंग आगे के प्रोसीजर में भी उन्होंने बताया है कि आगे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट। और इसके रिगार्डिंग आप लोगों में से बहुत लोग थोड़ा मैं लेट से अपडेट दे रहा हूँ, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को पहले भी पता चल गया होगा कि इन 18 कैंडिडेट को क्या करना है। तो दोस्तों, उस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा ही, साथ ही साथ मैं इस वीडियो में ये भी डिस्कस करूँगा कि इन 18 कैंडिडेट की वजह से वेटिंग लिस्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ जो वेटिंग लिस्ट में है उसमें किसका वेटिंग जल्दी क्लियर होगा। तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियली नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मालदा की तरफ से इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है 18 दिसंबर 2019 को। इसमें दोस्तों जो रिगार्डिंग है, ये लिस्ट ऑफ मेडिकली अनफिट कैंडिडेट बाई डिविजनल मेडिकल कमेटी, डीएमसी जो बैठती है, 3 मेंबर मेडिकल कमेटी, उसके द्वारा दोस्तों ये जारी किया गया है। और दोस्तों, इसमें मोटा मोटी मैं बताना चाहूँगा कि इसमें बोला गया है कि जिन कैंडिडेट को चैलेंज करना है इसके रिगार्डिंग जो भी डीएमसी के बाद रिपोर्ट बना है, तो वे लोग क्या कर सकते हैं कि 18 जब से नोटिफिकेशन जारी किया गया 18 दिसंबर से लेकर के अगले एक महीने के अंदर 18 जनवरी तक, आप एक इसके अगेंस्ट आप एक अपील दायर कर सकते हैं, जिसको स्पेस पोस्ट के थ्रू आप 18 एक महीने के अंदर 18 जनवरी को शाम को 6 बजे से पहले बाई स्पीड पोस्ट या फिर बाई पर्सन आप डायरेक्टली वहाँ पर जो आरआरबी की ऑफिस है वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद अपील को सबमिट करने के बाद फर्दर आपको जो चांस दिया जाएगा उसमें ये सारी चीज़ें बोली गई हैं कि आप जो भी प्रोफार्मा है ये आप कैसे क्या करना है, गवर्नमेंट और प्राइवेट डॉक्टर के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें आप पढ़ करके भी खुद से भी ये जान सकते हैं। मेन दोस्तों, मेन हमारा जो आगे जो डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में किसका वेटिंग पहले क्लियर होगा और इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आगे की सारी चीज़ें आप पहले से भी काफ़ी लोगों नोटिफिकेशन जान चुके होंगे और भी यूट्यूबर के माध्यम से ये सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। तो इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर वो चीज़ें ना डिस्कस करके सीधे सीधे आपको यहाँ पर भी डिस्कस करूँगा। बाकी दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि वैसे यहाँ कुछ खास एडवांटेज नहीं होता है, अनफिट को फिट जारी करना बहुत ही जिसका क्लोज मैटर रहता है वही होता है, कलर विजन का तो बिल्कुल ही नहीं होता दोस्तों। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग, जो भी डीएमसी के अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं वे लोग सोच समझ के कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ पर टोटल दोस्तों 18 लोगों का लिस्ट जारी किया गया है, और दोस्तों इसमें 18 लोगों में देख सकते हैं आप कि मैक्सिमम जो अनफिट हुए हैं वो A3 के रिगार्डिंग हैं, और A3 उसके बाद A3 के बाद B1 में हुए हैं। और दोस्तों इसमें जो 18 लोगों में 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो निल हो गए हैं, वो किसी भी पोस्ट के लिए फिट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे एक देख सकते हैं विक्रम कुमार का A3 और B1 ये मेडिकली एग्जामिन हुए थे, एग्जामिन फॉर मेडिकल कैटेगरी A3 एंड B1, और फाइनली ये निल पाए गए। इसका मतलब दोस्तों इनका या तो कलर विजन होगा तभी ऐसा हुआ है, क्योंकि बी या तो फिर इनका 4 डॉप्टर से ज़्यादा रहा होगा। इसी तरह से दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कैंडिडेट और हैं जो इसी में निल पाए गए हैं, अवीक दे। इसी तरह से दोस्तों एक कैंडिडेट और हैं, इनका भी A3 B1 में नील है। ऐसे करके दोस्तों एक लास्ट में 2 कैंडिडेट और हैं जो नील पाए गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से 18 में 5 कैंडिडेट ऐसे देख सकते हैं कि जो बिल्कुल ही नील हो गए हैं, इनके पास कोई भी क्लेम नहीं है, तो 5 कैंडिडेट ऐसे ही देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो रेलवे के जो 250 वैकेंसी आर आर बी मालदा में, तो 5 कैंडिडेट का मतलब दोस्तों होता है 2.5%, 2.5% दोस्तों ऐसे ही वेटिंग क्लियर हो जाएगा किसी न किसी कैंडिडेट का। जो 2.5% का मतलब एकदम जो बाउंड्री होगा वेटिंग के स्टार्टिंग में ही होगा उनका 2.5%, और 2.5 की बजाय दोस्तों आप इसको दोगुना भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते हैं, जिसका इंजीनियरिंग सर्विसेज या किसी अच्छी जगह अच्छे पे स्केल पर जिसका ज्वाइनिंग हो जाता है। तो 5% वेटिंग दोस्तों ऐसे ही क्लियर हो जा रहा है, जो कन्फर्म ही है 5% वेटिंग क्लियर ही होना है। इसके बाद दोस्तों अब बात करूं कि और कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है, तो दोस्तों अब देखिए बाकी 13 जो 18 में 13 जो बच रहे हैं तो ये मैक्सिमम A3 में ही अनफिट हैं। देख सकते हैं एक कैंडिडेट जो A3 B1 C1 के लिए इनका एग्जामिनेशन हुआ था, वे B1 और C1 में तो फिट हैं लेकिन A3 में नहीं है। जबकि दोस्तों मैं बताना चाहूँगा हर एक जोन में A3 की वैकेंसी जो है 1/3 है जितनी भी वैकेंसीज है। तो ऐसे ही दोस्तों देख सकते हैं कि
वेटिंग की जो कैटेगरी ये बढ़ती जाएगी। और टोटल दोस्तों ऐसी मोटा मोटी एक चीज़ और मैं एनालिसिस करूं कि 18 लोगों में अगर एक आध दो लोग चैलेंज भी करते हैं तो दोस्तों बहुत रेयर ही होता है कि इनका जो इनका होता है कि वो फिट होते हैं, अनफिट से फिट होते हैं। तब भी दोस्तों अगर इसमें से एवरेज निकालूं दोस्तों, तो यहाँ से अगर 18 का, अगर 18 जो 242 वैकेंसी है, तो एक के मान के चलिए तो 7.5% होता है। लेकिन ये 7.5% ही है, और वो और जो जो लोग कहीं इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह या किसी के डीबी में इशू है, तो इससे एक अनुमान रफ आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों, कम से कम 10% वेटिंग क्लियर हो ही जाएगा आपका। क्योंकि ऐसे 18 कैंडिडेट हैं तो ये 7.5% ऐसे हो रहे हैं, लेकिन डीबी या फिर कोई जॉब ज्वाइन ही नहीं करता है पैनल आने के बाद भी। तो एक तरह से कुल मिला जुला के दोस्तों देखूँ तो 10% बिल्कुल जो है 10% टोटल वेटिंग में से अगर बात करूँ तो 10% वेटिंग क्लियर होना ही होना है। बाकी दोस्तों अगर मैं एक चीज़ और डिस्कस करूँ कि वेटिंग जो होगा आपका, वेटिंग दोस्तों लगभग 10% मिनिमम क्लियर होगा। दोस्तों मैं खुश करने के लिए आपको मैक्सिमम वेटिंग नहीं कह दूंगा कि 20% या 25% वेटिंग तुरंत क्लियर हो जाए, लेकिन एट द टाइम अभी जो आपका बना है डीवी का वो, तो उसमें से 10% डीवी बिल्कुल ही, 10% जो वेटिंग है दोस्तों बिल्कुल ही क्लियर हो सकता है उसमें से। और क्योंकि ऐसा ही दोस्तों जो कलर विजन या जो भी जो मेडिकल में इश्यूज हैं, ये लगभग हर एक जोन में लगभग बराबर ही हैं। जो भी दोस्तों सैंपल डेटा है, मैंने हर एक जोन में कैंडिडेट से पूछा तो लगभग हर जगह हर 10 बच्चे में एक बच्चा कलर विजन का आ ही जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों वहाँ पर वेटिंग क्लियर होने के बहुत सारे चांसेस है। बाकी दोस्तों अब बात करूँ कि किसका वेटिंग जल्दी क्लियर होगा, तो दोस्तों जल्दी वेटिंग जो क्लियर होगा वो देख सकते हैं कि ए थ्री में लोग अनफिट ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो दो डाइप्टर पावर मांगा है, साथ ही एक चीज़ और है, दो डाइप्टर है जो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, और कलर विजन की वजह से काफ़ी लोग ए थ्री से बाहर हो जा रहे हैं, बी वन से बाहर हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों देख सकते हैं कि, और आप किसी भी जोन्स का आप वेट वैकेंसी टेबल उठा के देख सकते हैं, उसमें उसमें जो है दोस्तों ए थ्री और बी वन की पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है। आपको मैं आपको प्रूफ के तौर पे भी आपको दिखा सकता हूँ कि ए थ्री की वैकेंसी ऐसी है, आपको आइडिया लग जाएगा कि ए थ्री में वैकेंसी कितनी हाई है। उससे पहले दोस्तों हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहूँगा कि किसका मेडिकल स्टैंडर्ड ए थ्री है। देख सकते हैं दोस्तों पोस्ट कोड, जैसे सिविल में जो कैटेगरी नंबर 1 है, 3 है, 5 है, तो दोस्तों 135 का आप देख सकते हैं कि जो कैटेगरी नंबर 1 है सिविल में, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड ए थ्री है दोस्तों। और ए थ्री की वैकेंसी दोस्तों साथ ही मैं अभी आपको सिविल के बाद दिखा सकता हूँ कि आपको कितना ज़्यादा वैकेंसी है किसी भी जोन में। सबसे पहले मैं इलाहाबाद का ही दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि इलाहाबाद में एक ऐसा है कि उसमें देख सकते हैं, ऐसे ही लगभग सभी जोन्स में आप देख सकते हैं 135 जो पोस्ट कोड है उसमें वैकेंसी ज़्यादा होगी। तो देखिए दोस्तों पोस्ट कोड 1 में तो उतनी ज़्यादा नहीं है, देख सकते हैं नहीं है, 5 ही है। 3 में दोस्तों भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा, 57 है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो है आप जो सॉरी 3 में देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वैकेंसी है, आप देख सकते हैं टोटल 220 वैकेंसी है, यहाँ 69 है। जबकि दोस्तों बाकी में देख सकते हैं कितनी कम वैकेंसी है, बाकी में यहाँ पर 13 तक जाएंगे सिविल में, तो इसकी कंपैरिजन में जो पोस्ट कोड 3 है लगभग 220 और लगभग 300 वैकेंसी दोस्तों इकट्ठे थ्री की है। और ऐसी दोस्तों हर एक जोन का आप देख सकते हैं। सेम दोस्तों अगर मैं बात करूं कि मैकेनिकल के सिविल के बाद जो आगे की अपकमिंग है, तो इसमें देखिए दोस्तों पोस्ट कोड जो आपका 14 है, तो ट्रैक मशीन का इसमें है आपका 14 के बाद दोस्तों आपका 18 है, और मेजॉरिटी में दोस्तों 18 को छोड़ भी दें तो 14 तो हर एक जोन में लगभग, इसलिए यहाँ पर 14 के बाद आप एक और देख सकते हैं जिसमें मेजॉरिटी में वैकेंसी रहती है ए थ्री की, वो है 43 के बाद भी इसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं दोस्तों, ये 43 के बाद आपका एक जनरल सर्विसेज का है दोस्तों, यहाँ पर कहाँ गया 43 43, जी हाँ दोस्तों 53 14 नंबर और 53 नंबर दोस्तों इसमें जो वैकेंसी देख सकते हैं 53 की जो कोड है 53 और 54, इसमें वैकेंसी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रहता है, आप किसी में भी जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ एस एन टी में भी वैकेंसी ज़्यादा है, तो इसलिए दोस्तों इसमें वैकेंसी आप देख सकते हैं 14 53 और एस एन टी की जो आपकी पोस्ट कोड है दोस्तों कितनी है, वो आपकी पोस्ट कोड है आपकी 63 और 64। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें कितनी ज़्यादा वैकेंसी किसी भी जोन्स का, आपको सबसे पहले अजमेर में याद आता हूँ, उसमें 14
जो पोस्ट कोड दोस्तों 14, हम देख सकते हैं कितनी भारी भरकम वैकेंसी है, 67 वैकेंसी है 14 इसमें, क्रैक मशीन का। इसके बाद 53 कोड नंबर पे आया जाए तो 53 में देख सकते हैं 98 वैकेंसीज है और वैकेंसीज की तुलना में। इसी तरह 64 की वैकेंसी देख सकते हैं, 39 एंड 7 है। तो दोस्तों इस तरह देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वैकेंसी है, और इसी वैकेंसी के बेसिस पे दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि जो सबसे पहले दोस्तों जो सबसे ज़्यादा वेटिंग क्लियर होगा वो A3 वालों का होगा। उसके बाद दोस्तों सेकेंड मोस्ट है वो B1 को होगा, क्योंकि दोस्तों B1 में भी कलर विजन की वजह से काफ़ी कैंडिडेट्स बाहर हो रहे हैं, और B1 की भी दोस्तों आप जब एक वैकेंसी टेबल देखेंगे तो B1 की पोस्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए दोस्तों जो वेटिंग क्लियर होगा वो सबसे पहले किसका होगा, उसका सबसे जल्दी क्लियर होगा दोस्तों A3 पोस्ट का और B1 पोस्ट का। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कि अगले वीडियो में, नए अपडेट के साथ। अब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।